मुहिम स्टार्ट की थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, इसकी शुरुआत 7 तारीख को जम्मू कंटोनमेंट जो कॉन्स्टिट्यूंसी में रमन बालाजी के नेतृत्व में एक सिग्नेचर कैंपेन की से नो टू न्यू लैंड लॉ, कि जो भारत सरकार में एक नया लैंड लॉ जो लगाया है जम्मू कश्मीर में उसको नकारने के लिए ये सिग्नेचर कैंपेन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर स्टार्ट की गई। पहली कड़ी गांधीनगर रमन जी के नेतृत्व में, दूसरी हमारी जम्मू ईस्ट से स्टार्ट की गई कल। उसके बाद जो हमारी नेता थी रजनी पाटिल जी, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी AICC, उनके नेतृत्व में एक किसान रैली निकाली गई थी आरसपुरा में, और आज जम्मू वेस्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर के थर्ड फेज में लगाया गया। उसके बाद इसी लैंड लॉ के खिलाफ हमारे ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर जो ये कैंपेन कंटिन्यू रहेगी, कि जो वादा अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर किया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जॉब्स क्यों रहेगी, लैंड्स क्यों रहेगी, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ धोखा किया, लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए ये कैंपेन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जारी रहेगी।